वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं आज ताज़ा रेडी हुआ है योद्धा 1500 यानी कि योद्धा 1500 2020 का ये गाड़ी है। असम गुवाहाटी में ये गाड़ी खड़ा है। तो पहले देखेंगे कंडीशन, उसका बात करेंगे पेपर, लास्ट में होगा प्राइस और कंटेक्ट नंबर मैं लास्ट में दूंगा। आपको एक ही कंडीशन मेरा मानना होगा कि पूरा वीडियो देखना है, उसके बाद ही फ़ोन करना है। खास करके महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, स्किप करते हैं। पूछते हैं भाई कहाँ पे है गाड़ी, मैं बोलता हूँ असम। फिर हमको क्वेश्चन करते हैं असम कहाँ का है, कौन सा स्टेट है ये, तो आपको मालूम ही नहीं है तो असम कहाँ पे, तो ये धिक्कार है आपके ऊपर। मैं तो बोलता हूँ धिक्कार है आपको, इंडिया का एक स्टेट है आपको मालूम नहीं है। तो जो भी हो गूगल में देखिए असम क्या है, उसके बाद हमें फ़ोन कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निकल कर फ्रंट प्रोफाइल ऐसा है, आपके सामने देख सकते हैं 01LC 9722 ये आपका फ्रंट प्रोफाइल है। अभी मैं साइड से एक बार दिखाता हूँ, ये आपका साइड प्रोफाइल ऐसा है। फिर और एक साइड से मैं आपको दिखाऊंगा। 2020 का ये गाड़ी है, आप देख सकते हैं 2020 का ये गाड़ी आपके सामने। पीछे का साइड ये ऐसा है गाड़ी, देखिए योद्धा 1500 देख सकते हैं, 2020 का गाड़ी गुवाहाटी असम में खड़ा है। तो बैक साइड ऐसा है, तो चारों साइड से मैं आपको गाड़ी दिखा दिया। अभी थोड़ा नज़दीक में जाके आपको दिखाऊंगा। मैं फ्रंट पे आपको दिखा रहा हूँ, दूर से देख सकते हैं आप। हेडलैम्प और इंडिकेटर ओके है, इसमें नंबर प्लेट देख सकते हैं, टाटा का लोगो देख सकते हैं। फिर हो गया ये बोनेट हो गया, फिर ये आपका विंडशील्ड देख सकते हैं, कोई क्रैक नहीं है। और वाइपर ब्लेड जो है जो मिसिंग नहीं है, तो दो वाइपर ब्लेड है यहाँ पर। और अभी ओवरबीएम देख सकते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये कोई क्रैक ऐसा नहीं है। फिर योद्धा का ये आप लोगो देख सकते हैं, योद्धा 1500। अभी मैं साइड से और एक बार दिखा देता हूँ तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं 3.0L डाइकोर यानी डाइकोर का इंजन है। फिर योद्धा 1500 ये भी आपका ओके है। तो ये आपका केबिन साइड है, ड्राइवर केबिन। अभी वॉशिंग नहीं हुआ है क्योंकि आज ही ये गाड़ी आया है, तो वॉश नहीं हुआ है। तो फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसा है ऐसा आपको लेना होगा। आपका फ्रंट टायर देख सकते हैं आपके सामने, फ्रंट टायर ऐसा ही आपका। और ये आपका पैराबोलिक कमानी देख सकते हैं, पैराबोलिक कमानी टायर देख सकते हैं, तो पैराबोलिक कमानी देख सकते हैं, पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन फ्रंट में। टायर में दिखाता हूँ, ये पीछे का टायर सेमी इलेप्टिकल ये कमानी है, यानी सेमी इलेप्टिकल लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन। पीछे में और एक टायर दिखा रहता हूँ, इसमें स्टेपनी देख सकते हैं, डिफरेंशियल एंड क्राउन ये आपके सामने है। अगर ये मैं आपकी डाला का अगर बात करूं, कार्गो बॉडी जो ये आप 8 फीट 8 इंच है इसका लेंथ में, ये अप्रोक्स में बोल रहा हूं। और पीछे में अगर जाएंगे विथ का तो अप्रोक्स 6 फीट है। तो आप खुद यहां पे आके एक बार माप ले सकते हैं, मैं तो यहां से लिया हूं, लेकिन हर एक का माप लेने का तरीका अलग होता है। अभी फ्लोर दिखा देता हूं एक बार, ये है आपका फ्लोर देख सकते हैं। तो इसका जो पासिंग क्षमता है 1500 यानी कि 1500 ऑफिशियल पासिंग। अभी ओवरलोडिंग में क्या करना है वो आप परमिशन लेके क्या करना है वो आप जानते हैं, आपका स्टेट का हिसाब से आप चलिए। कितना किलोमीटर चला है मैं अभी नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि ये बैटरी का कुछ इशू है, तो आपको यहाँ पे खुद आना है चेक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड रियर जो गियर का लीवर है वो आप देख सकते हैं, गियर ट्रांसमिशन 1 2 3 4 5 फॉरवर्ड एंड एक आपका रियर है। तो सीट अच्छा ही है, सीट कोई आराम से 3 आदमी यहाँ पे बैठ सकते हैं। हैंड ब्रेक देखिए यहाँ पे सीट बेल्ट भी है। फिर ये तो आपका मैनुअल है, ये आपका लॉक सिस्टम ओके, पावर विंडो नहीं है, मैनुअल है, ग्रैब हैंडल ठीक है। तो इसी तरह आप देख सकते हैं ये आपका ड्राइवर केबिन जो है ऐसा ही है। तो इसमें हम सनवाइजर देख सकते हैं, सनवाइजर है यहाँ पर, मिसिंग नहीं है। तो ऐसा ही है इंजीनियर में। कंडीशन के बाद अभी बात करते हैं पेपर। तो पेपर का जो अभी का स्थिति है तो आप देख सकते हैं, ये अभी का स्थिति है, आप देख सकते हैं क्या फेल है क्या अपडेट नहीं है। अगर अपडेट नहीं भी है तो ये ओनर आपको अपडेट करवा के देंगे, इसमें आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका प्राइस जो ओनर ने हमको दिया है, मेरा मन मर्जी नहीं है, लेकिन हमको सभी ये पूछते हैं कि भैया आपका प्राइस हमेशा ज़्यादा होता है। वो मेरा प्राइस नहीं है भाई, आपको अगर गाड़ी मार्केटिंग करवाना है आप जो बोलेंगे मैं हुई रट्टा मार के बोलूँगा, अपना दिल से नहीं बोलूँगा। आप बोलेगा कि 10 लाख, हाँ मैं 10 लाख बोलूँगा। आप बोलेगा कि फ्री,
तो हम फ्री बोलेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे आप मुझे वो SMS लिख के आपका ज़्यादा हो गया कम हो गया कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसका जो प्राइस रखा है आप देख सकते हैं 5,50,000 इसका प्राइस है, आस्किंग प्राइस। इसमें निगोशिएशन होगा, बार्गेनिंग होगा, सब कुछ होगा, लेकिन ऑफिस में होगा, SMS में ऑफर प्राइस हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 5,50,000 2020 का गाड़ी है, गाड़ी गुवाहाटी असम में खड़ा है, योद्धा 1500। तो यहाँ पे आइए और गाड़ी लीजिए। वीडियो ख़त्म करने से पहले दो तीन इम्पोर्टेंट बात, जो कोई भी अभी ये गाड़ी खरीदना चाहता है उनके साथ मत आइए, ठीक है, आप अकेले ही आइए, क्योंकि आप उनके साथ आएंगे तो आप क्या करेगा, आपका वो हमको बोलेगा भैया मैं एक आदमी लेके आ रहा हूँ, मेरे लिए 10,000 रुपये एक्स्ट्रा करके रखिए। मेरा चैनल का एक ही मकसद है, किसी को पैसा देना नहीं है, किसी से पैसा लेना नहीं है। मेरा ये प्लेटफॉर्म है, कोई भी आपको गाड़ी मार्केटिंग कर सकता है, किसी को एक पैसा देना नहीं है। आप यहाँ पे आइए, खुद देखिए, खुद आप बार्गेनिंग कीजिए। आप दो तीन आदमी लेके आएगा आपका वो डील नहीं होगा, क्योंकि वो बिचौलिया है, वो आपका ब्रोकर है, वो पैसा खाएगा, ठीक है। हमेशा आप अकेले ही आइए और अकेले ही गाड़ी डील कीजिए। आप अपने लड़का को भी मत लाइए, लड़का हम यहाँ पे देखे हैं, पिताजी को लेके आता है, बोलता है भैया मेरा पिताजी लेके आया हूँ, हमको 10,000 रुपये कमीशन चाहिए। तो जो कोई भी अंकल हो, मौसा हो, चाचा हो, लड़का हो, अकेले आइए, गाड़ी डील कीजिए, नहीं तो आपका चूना लग जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक बाय।